बिहार के मुंगेर में अपराधियों का तांडव, ट्रांसपोर्टर को गोलियों से भून डाला, ट्रांसपोर्टर का बेटा बुरी तरह घायल है। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है, जहां बासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के निवासी रामचंद्र यादव और बेटे राहुल पर बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने उस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जब दोनों बाप बेटा बजरंग बली के चबूतरा पर बैठे थे। मौके पर ही ट्रांसपोर्टर रामचंद्र यादव की मौत हो गई, राहुल घायल है। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। आज ये गोली क्या लगेगी, हम यही गाड़ी धुलवाने हम यहाँ घर से गए, 5 मिनट में हुआ, मेरा भाई यहीं था, गोली लगी है, जो मारा है सबको देखे हैं। कितने लोग संख्या, बाइक से थे क्या चीज से थे? सब बाइक से था, 7-8 आदमी थे। 7-8 आदमी थे, सबका नाम पता है। कहे के लिए मारा, क्या कुछ उसने कहे मारा, वो तो बाद में पता चलेगा ना, अभी तो हमसे कोई ऐसा नहीं था, कुछ उसको दुश्मनी हो सकता। तो आपके पिताजी डेथ कर गए, भाई घायल है, भाई घायल है ना? भाई घायल। कितना राउंड गोली चलाया यहाँ पे, जो उत्पाद मचाया यहाँ पे? 7 राउंड गोली चला, 7-8 राउंड गोली चला, 7-8 राउंड गोली। थाना तो मात्र यहाँ पे कम ही दूरी पे है, थाना तो नजदीक है, पुलिस यहाँ से कितना मस्को से लगता है कि 10 कदम होगा, 150 गज होगा। पुलिस आई बाद में? पुलिस नहीं आई उस टाइम, पुलिस बहुत देर में आई, देर में आई। अच्छा, पहले से कुछ विवाद था? आपके पिताजी कुछ करते हैं या क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी पहले थे ट्रांसपोर्ट मालिक, अभी भी ट्रांसपोर्ट में गाड़ी ली है अभी। हाँ, पहले था, पहले मुरगढ़पुर बंद हुआ था, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, फिर गाड़ी करते थे, ट्रांसपोर्ट लिए, फिर से कुछ चलू खगड़िया का, तो फिर ट्रांसपोर्ट निकाले। अच्छा, क्या नाम से चलता है उनका ट्रांसपोर्ट? जय माँ चंडी के। अच्छा, वही व्यवसाय करते हैं ना? हाँ। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। वर्चस्व की लड़ाई और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ जमीनी विवाद के कारण जो एक नाम आ रहा है अभी और उसके सहयोगी ने किया, यह घटना वासुदेवपुर थाना अंतर्गत ITC के जस्ट बगल में हुआ है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, तकनीकी सहयोग ले रहे हैं और जो आदमी का शिनाख्त हुआ है उनके घर पर भी हम लोगों ने, हमारे थाना अध्यक्ष और आसपास के थाना के अध्यक्ष लोगों ने जगह जगह पे भी छापेमारी कर रहे हैं और हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो इस हत्याकांड में शामिल हैं उनको यथाशीघ्र अरेस्ट करके फर्दर लीगल कार्रवाई करेंगे। सर, किसकी हत्या, किसकी मौत हुई है सर, कुछ नाम और किसी को कौन? चंद्र यादव करके एक व्यक्ति हैं, वो बैठे हुए थे बजरंग बली चौक के पास, उसी समय उनकी गोली मारी गई है। घटनास्थल से हमें 4-5 खोखा मिला है, अभी जो हम लोग प्रथम बार जो घटनास्थल का निरीक्षण किए थे, एक गोली उनके बेटे को भी लगी है और वो इंजर्ड है और सदर अस्पताल मुंगेर में वो इलाजरत है। सर, कहा जाता है कि वर्चस्वता में यही बात आ रही है कि वर्चस्व को लेके चला है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जमीनी विवाद था, तो इसके बारे में हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान के बाद जो तथ्य सामने आएगी उसके बाद ही हम इसमें कंफर्म होकर कुछ बता पाएंगे। थैंक यू सर।